नमस्कार दोस्तों, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में 3 मई 2023 को इम्फाल की घाटियों में रहने वाले बहुसंख्यक मैतेई जनजाति के लोगों तथा कुकी जनजाति लोगों सहित आसपास की पहाड़ियों पर रहने वाले आदिवासी समुदायों के बीच एक निर्जातीय झगड़ा छिड़ गया। आपसी दंगे में मणिपुर लगातार 3 महीनों से जल रहा है और मणिपुर में अब तक 150 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है एंड 300 से अधिक लोग घायल हो चुके। आज की इस वीडियो में विद फैक्ट समझते हैं मणिपुर वायलेंस क्यों हुआ और कोई भी गवर्नमेंट मणिपुर वायलेंस को क्यों नहीं रोक रही। है मणिपुर वायलेंस, 2 महीनों से ज्यादा समय बीत गए और मणिपुर जल रहा है। बहुत बुरा हाल हो रहा है, मैं सोच भी नहीं पाया ऐसे अचानक कैसे हो रहा है। इस देश में औरत को नंगा करके घुमाया जा रहा है। एक बार घुमाया गया था, दुशासन ने कोशिश की थी, महाभारत हुआ था। मणिपुर की 2 महिलाओं के साथ शर्मनाक हरकत। मणिपुर पिछले 2 महीनों से हिंसा की आग में झुलस रहा है। साल 1947 में मणिपुर पर महाराज बोधचंद्र का शासन था और अंग्रेजों के जाने के बाद महाराज बोधचंद्र ने मणिपुर को भारत में विलय करने का डिसीजन लिया एंड फाइनली 15 अक्टूबर 1949 को मणिपुर भारत का एक हिस्सा बन गया। 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होने के बाद मणिपुर को भारतीय संघ में पार्ट सी के राज्य के रूप में दर्जा मिला और आगे चलकर यहाँ प्रादेशिक परिषद गठित की गई जिसमें 30 इलेक्टेड मेंबर एंड 2 मेंबर्स को मनोनीत किया जाना था। इसके बाद 1962 में केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम के तहत मणिपुर स्टेट में 30 इलेक्टेड मेंबर एंड 3 मनोनीत मेंबर की एक विधानसभा स्थापित की गई। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करें तो 21 जनवरी 1972 में मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और यहां पर 60 मेंबर की एक विधानसभा गठित की गई। मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद यहां की असेंबली में 19 सीटें अनुसूचित जनजाति तथा 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व कर दी। मैतेई जनजाति के लोगों को मणिपुर का मूल निवासी माना जो इम्फाल की घाटियों में रहते हैं। मैथी लोगों की लैंग्वेज मैथिलोन है जिसे मणिपुरी भाषा भी कहते हैं। 1992 में इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और मैथिली लैंग्वेज को राष्ट्रीय लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त। मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों पर नागा व कुकी जनजाति के लोग रहते हैं, साथ ही मणिपुर को एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य माना जाता है। नाउ मणिपुर वायलेंस क्यों हुआ। मणिपुर स्टेट की कैपिटल इम्फाल है जो कि टोटल स्टेट की अप्रोक्स 10% भूमि पर है। इम्फाल घाटियों का एक एरिया है जिनमें मैतेई जनजाति के लोग रहते हैं एंड शेष 90% भूमि पर पहाड़ियां हैं जिन पर दक्षिणी भाग में कुकी तथा उत्तर पूर्वी भाग में नागा जनजाति के लोग रहते हैं। मणिपुर में रहने वाले मैतेई जनजाति के लोग जो बड़े पैमाने पर हिंदू हैं लेकिन इसमें मुस्लिम बौद्ध आदि लोग भी शामिल हैं। स्टेट की टोटल पॉपुलेशन का 53% पार्ट मैतेई जनजाति के लोग हैं जो कि घाटियों में मात्र 10% भूमि पर रह रहे हैं, जबकि 40% पॉपुलेशन जिनमें नागा व कुकी जनजाति के लोग आते हैं वो स्टेट की 90% भूमि पर पहाड़ों पर रह रहे हैं। मणिपुर के भूमि सुधार अधिनियम के अकॉर्डिंग मैतेई जनजाति लोगों को स्थानीय जिला परिषदों की अनुमति के बिना पहाड़ी क्षेत्रों में रहने से रोक दिया गया। आइए अब एक नजर मणिपुर की स्टेट असेंबली पर डालते हैं। स्टेट असेंबली में टोटल 60 सीटें हैं जिनमें से 19 सीटें अनुसूचित जनजाति जिनमें नागा व कुकी जनजाति के लोग आते हैं उनके लिए रिजर्व हैं एंड शेष सामान्य निर्वाचित सीटें हैं जिनमें से पिछले चुनाव में 39 सीटें मैतेई जनजाति के लोगों ने जीती। 2023 में मणिपुर में स्टेट गवर्नमेंट ने रिजर्व फॉरेस्ट जोन में बस्तियों से अवैध अप्रवासियों को हटाने का प्रयास किया और अधिकारियों ने बताया कि म्यांमार से अवैध प्रवासी 1970 के दशक से मणिपुर में रह रहे हैं। उधर मैतेई जनजाति के लोगों ने बताया कि सरकार का अवैध अप्रवासियों को हटाने का एकमात्र बहाना है, जबकि सरकार मैतेई जनजाति के लोगों को उनकी जमीन से खदेड़ना चाहती। एंड फरवरी 2023 में भाजपा की स्टेट गवर्नमेंट ने चूड़ा चांदपुर, तंग पोकपी और तेंग नोपल जिले में वनवासियों को अतिक्रमणकारी घोषित करते हुए बेदखली अभियान शुरू किया जिससे मैतेई जनजाति लोगों के बीच हिंसा भड़क गई और बस यहीं से मणिपुर वायलेंस स्टार्ट हो गए। थोड़ा टाइम फास्ट फॉरवर्ड करें तो मणिपुर हाई कोर्ट के एक जज ने मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट को अनुसूचित जनजाति एसटी में मैतेई समुदाय के लोगों को
शामिल करने के लिए विचार करने का सजेशन दिया, जिससे कुकी जनजाति लोगों को डर होने लगा कि अगर मैतेई जनजाति लोगों को एसटी का दर्जा मिल गया तो इन लोगों को पहाड़ों पर जमीन खरीदने की इजाजत मिल जाए। फिर क्या आदिवासी समूह जिनमें कुकी व नागा जनजाति के लोग आते हैं, इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट की कार्रवाई के विरोध 28 अप्रैल को पूर्ण मणिपुर बंद करने का आह्वान किया। उसी दिन मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह को एक एयर ओपन जिम के इनोग्रेशन के लिए चूड़ा चांदपुर का दौरा करना था, लेकिन मुख्यमंत्री की यात्रा से एक दिन पहले आदिवासी समूह की बहुत बड़ी भीड़ ने जिम में आग लगा दी और तोड़फोड़। भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने टियर गैस के गोले छोड़े। 28 अप्रैल को ही मणिपुर में सेक्शन 144 अप्लाई कर दी गई एंड 5 डेज के लिए इंटरनेट सर्विस डाउन कर दी गई। 3 मई 2023 को मणिपुर में आग लगा दी गई और तब से लेके आज तक मणिपुर जल रहा है और साथ ही 150 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। बट हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। मणिपुर में महिलाओं के साथ गैंग रेप हो रहे हैं, महिलाओं को नंगा करके रोड पे भगाया जा रहा है और इससे घिनौनी हरकत और क्या होती। एक बात मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि मणिपुर में बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन बीजेपी की सीएम वहां कुछ नहीं कर पाई और जो कहते थे कि बेटी बचाओ वो भी अभी तक चुप हैं। नाउ लास्ट में यदि अभी भी थोड़ी भी शर्म बची हो तो लॉ एंड ऑर्डर को अप्लाई करके मणिपुर की हिंसा को रुकवाएं, ताकि आगे किसी की बहन बेटी बीवी या माँ को नंगा होकर सड़क पर भागना ना पड़े। जरा सोचिए, क्या हम ऐसे ही विश्वगुरु बनेंगे? 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, बहन बेटियों को नंगा करके रोड पे भगाया जा रहा है। क्या होगा ऐसे विश्वगुरु बनके, जहां अपने घर में बहन बेटियों को इज्जत सरेआम रूबरू होकर सड़कों पर दौड़ाई जा रही है। यदि वीडियो आपको नॉलेजफुल लगाओ तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि मणिपुर में क्या चल रहा है उनको भी पता चले और मणिपुर की हिंसा को रुकवाने के लिए आप कमेंट में #SaveManipur जरूर लिखें। आने वाले नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन 2024 में इंडिया का नेक्स्ट पीएम कौन बनेगा, आप वीडियो को यहां क्लिक करके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।